मेरा इश्क तू, मेरा इश्क तू, मेरी इबादत बंदगी, मेरा इश्क तू, मेरा इश्क तू। म्यूजिक और नेचर, आपकी प्रकृति और संगीत, क्या इसका आपस में कोई लेना देना है? पहले भी मैं इस टॉपिक पर बात कर चुका हूँ कि आपकी जैसी पर्सनालिटी होती है वैसा ही आपका संगीत होता है, या यूँ कहें जैसा संगीत आप कर रहे होते हैं वैसी ही आपकी पर्सनालिटी बन जाती है, ये वैसा वर्षा चलता है। तो आज इसी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे कि कैसे आपकी पर्सनालिटी से आपका संगीत जो है वो परिवर्तित होता है, बदलता है, और उसी तरह से कैसे आपकी संगीत की प्रकृति की वजह से आपकी प्रकृति यानी आपका नेचर यानी आपकी पर्सनालिटी बदलती है। तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए इस टॉपिक पर। घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। गुलाम अली खान साहब की एक गाई हुई उन्हीं की कंपोज्ड एक गज़ल है जो कि नासिर काज़मी साहब की लिखी हुई है। तो आइए वापस आते हैं उसी टॉपिक पर कि कैसे आपकी पर्सनालिटी और आपका म्यूज़िक इंटरलिंक्ड है, आपस में जुड़ा हुआ है। एक एग्जांपल से शुरू करूंगा। कुछ दिन पहले एक मेरा ही सहपाठी है, हम साथ में ही सीखे हैं, सीख रहे हैं, और कहीं ना कहीं मेरा एक स्टूडेंट भी है वो, क्योंकि मैंने भी कुछ चीज़ें उसको सिखाई हैं। तो उससे डिस्कशन करते समय ये एक वाक्या निकला, एक चीज़ निकली जो मैंने सोचा कि आप सभी लोगों तक पहुंचाई जाए कि कैसे आपकी पर्सनालिटी जो है संगीत से जुड़ी हुई है। उसने मैंने उसको एक चीज़ बताई कि तुम्हारा जो संगीत है वो काफ़ी हड़बड़ाहट का है, उसमें तुम्हें काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी कुछ आता है, काफ़ी कुछ सीखे हुए हो, लेकिन उसमें काफ़ी एक हड़बड़ाहट है, एक जल्दबाजी है। तो उसने मुझसे यही पूछा कि इसको कैसे बदल सकते हैं। तो फिर मैंने एक और एग्जांपल दिया, मैंने कहा कि एक और व्यक्ति का एग्जांपल दिया, फला व्यक्ति का, मैंने कहा उसका संगीत अगर आप सुनो तो वो काफ़ी इत्मीनान का संगीत है, उन जल्दबाजी नहीं है, बहुत ठहराव है, बहुत धैर्य है। तो क्या ऐसी वजह है कि वो संगीत धैर्य है, वो उस संगीत में एक पेशेंस है, एक ठहराव है, और हमारे एक संगीत में ये वाला जो एग्जांपल ले रहे हैं इसमें थोड़ी जल्दबाजी है, यानी कोई तान भी लेंगे तो बड़ी हड़बड़ाहट होगी, और कुछ भी चीज़ कोई क्रिएशन अगर आप कर रहे हैं तो उसमें बड़ी जल्दबाजी नज़र आएगी कि वो सब कुछ प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है, जो भी उसके पास है ना, सब कुछ थोड़ा इधर से, थोड़ा उधर से, थोड़ा इधर से, उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उसमें एक कोई शेड्यूल नहीं है, उसमें कोई एक है ना एक बनावट नहीं है, है ना, वो सब एक बिखरी हुई सी चीज़ है। तो क्या ऐसा है? तो मैंने यही कहा, मैंने कहा जहाँ तक मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत तुम्हारा जो नेचर है, तुम्हारी जो प्रकृति है, उसमें भी थोड़ी जल्दबाजी है। तुम भी लाइफ में जो डिसीजंस लेते हो उनमें कहीं ना कहीं एक सेटलमेंट नहीं है, अनसेटल्ड है, और वो बिखरा हुआ है। और उसी प्रकार से जो दूसरा फला व्यक्ति का मैंने एग्जांपल लेके बताया था, ठहराव से, इत्मीनान से, मैंने उसका एग्जांपल लेके बताया, मैंने कहा उसकी दिनचर्या नोट करो, वो आदमी अपने डिसीजंस भी बड़े इत्मीनान से लेता है, उसको कोई बात की जल्दी नहीं है, है ना, वो कोई भी काम करेगा तो बड़े इत्मीनान से करेगा, और कोई भी डिसीजन लेगा तो बड़े इत्मीनान से लेगा, कहीं में कोई जल्दबाजी नहीं है, विलंब है, आराम से है, तो वो उसका संगीत भी आराम से ही है। ये मैंने जब उसको समझाया तो मैंने यही कोट किया कि पर्सनैलिटी जो है आपकी जैसी है वैसा ही आपका संगीत बन जाता है, और जैसा आपका संगीत है वैसी ही आपकी पर्सनालिटी बन जाती है। मैं मेरा ही एग्जांपल लूँ तो बचपन में मैं न तो डिसिप्लिन्ड था और न ही कोई काम स्ट्रक्चर में, शेड्यूल में, मैनेजमेंट से करता था, हर काम मेरा तितर बितर और उद्दंड था, मैं थोड़ा मस्तीखोर था, ये समझ लीजिए, थोड़ा शैतान था, बदमाश था, तो जाहिर बात है बचपन में था क्योंकि। फिर धीरे धीरे जैसे कि जैसे मैं संगीत में आता गया तो एक मैनेजमेंट मेरे अंदर आया, मेरे अंदर एक धैर्य आया, थोड़ा बहुत पेशेंस आया। आज की तारीख में अगर मैं कंपेयर करूं कि पहले कैसा था, तो वो क्यों है,
क्योंकि मैंने संगीत वैसा किया, मैंने शास्त्रीय संगीत को अप्रोच किया और उस धैर्य को समझने की कोशिश करी, वो लय ताल के बांट को, हिसाब को समझने की कोशिश करी। एक और चीज़ है मल्टीटास्किंग, मेरे ही मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ कि कैसे संगीत जो है आपकी पर्सनालिटी से जुड़ जाता है और कैसे आपकी पर्सनालिटी जो है संगीत से जुड़ जाती है। मल्टीटास्किंग का एग्जांपल लेता हूँ। मल्टीटास्किंग मतलब एक ही वक्त पे 2-3-4 काम करना, है ना। ये मेरी हैबिट है कि अगर मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ तो मेरा फोकस जो है कहीं और भी है, पर जाहिर बात है कि मैं आप पर ध्यान दूंगा। मेरा ध्यान है कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन मेरा जो जिसको कहते हैं ना गौर फरमाना, तो मैं आप ही पर गौर फरमाऊंगा, है ना। तो एक ये अच्छी इंसान की एक परिभाषा है, हमारे एक इंग्लिश के टीचर हैं, उन्होंने मुझे ये चीज़ समझाई थी कि जो स्मार्ट पर्सन होता है उसका ध्यान चारों तरफ है लेकिन वो एक जगह पर फोकस करता है और वो उसके चॉइस से, ऐसा नहीं उसका ध्यान भटक रहा है, नहीं भटक नहीं रहा है, उसको मालूम है कि वहाँ क्या हो रहा है लेकिन वो उसकी चॉइस है कि वो उस जगह ध्यान नहीं दे रहा है और जहाँ देना चाहिए वहीं दे रहा है, है ना। तो ये मल्टीटास्किंग होती है, ये संगीत में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने अपने पिताजी को हमेशा कोट करता हूँ, मैं मेरे पिता गुरु को हमेशा कोट करता हूँ कि वो कहते हैं कि एक संगीतकार को, एक गायक को कहें स्पेशली, तो 10 सर वाला रावण होना चाहिए, यानी 10 जगह उसका दिमाग होता है, 10 चीज़ें उसको पता होती है कि गाने वाला क्या कर रहा है, हारमोनियम वाला क्या कर रहा है, तबले वाला क्या कर रहा है, कीबोर्ड वाला क्या कर रहा है, ऑडियंस क्या कर रही है, उनका कैसा रिएक्शन है, मैं जो गा रहा हूँ मेरे हाव भाव कैसे, मेरे जेस्चर्स कैसे, मेरा बॉडी मूवमेंट कैसा जा रहा है, मेरे लिरिक्स कैसे जा रहे हैं, है ना, और उसमें मुझे कौन सी स्वर, कौन सी ताल लग रही है और ताल के बीच में कौन सी लय जा रही है, वो सबका ध्यान रहना चाहिए उसको। तो एक रावण की तरह अलग 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 दिमाग जो है, वो बुद्धि आपको जो है चलानी पड़ती है। तो मल्टीटास्किंग, तो ये क्योंकि मेरे म्यूजिक में है तो ये मेरी रियल लाइफ में भी है, है ना। मैं 4 काम एक साथ करूँ, आपसे बात करते समय मैं वो काम भी कर सकता हूँ और वो भी, और ऐसा नहीं कि बिखरा हुआ मैं वो सब अलग अलग जा रहा, नहीं, निपुणता से उसको अपन निभा सकता हूँ मैं, है ना। तो ये एक चीज़ है, जैसी आपकी पर्सनालिटी वैसे ही आपका संगीत। अगर आप जल्दबाजी में हैं, आपका जो नेचर है वो जल्दबाजी का है, तो उसी प्रकार से आपका संगीत भी जल्दबाजी का होगा, हड़बड़ाहट का होगा। तो अगर आप अपने संगीत में कुछ बदलाव चाहते हैं तो अपने रूटीन में भी बदलाव लाइए। अगर आप ही शेड्यूल्ड नहीं हैं, जैसे कि मैंने बोला था पंचुअलिटी और लय का जो है ना आपस में रिलेशन है, जैसे कि मेरे जो दादा गुरुजी, मैं उनका एग्जांपल हमेशा हर किसी को कोट करता हूँ क्योंकि अगर आप उनकी लाइफस्टाइल देखेंगे, उनकी पर्सनालिटी देखेंगे, तो आपको उनका संगीत उसमें हूबहू नज़र आएगा। उनको हर चीज़ स्ट्रक्चर्ड चाहिए, हर चीज़ नपी तुली चाहिए, यहाँ तक कि अगर उनका आसन भी एक जगह रखा हुआ है तो वो उसी जगह रखा होना चाहिए। अगर वो थोड़ा सा इधर से उधर हुआ तो उनको थोड़ी तकलीफ होती है कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लय ताल के और उस हिसाब के इतने पक्के हैं कि उनको मालूम है कि एक मात्रा इधर से उधर हुई तो पूरा का पूरा जो है ताल जो है बिगड़ जाती है, पूरी की पूरी लाइन जो है आपकी बिगड़ जाती है, है ना। तो अगर आपने अपनी दिनचर्या में वो चीज़ उतारनी है, अगर ज़िंदगी संगीत को बनाना है, तो अपनी ज़िंदगी में थोड़े बदलाव उसी अनुसार करने होंगे, अपनी पर्सनालिटी में थोड़े बदलाव उसी अनुसार करने होंगे, है ना। तो मेरे ख्याल से ये छोटा सा एक टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपको संगीत से कुछ लेना है तो आपको संगीत को कुछ देना पड़ेगा, और देना यानी अपनी ही ज़िंदगी से देना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी को आपको एक स्ट्रक्चर देना पड़ेगा, तब जाके आपका संगीत उस स्ट्रक्चर में आएगा। अगर आपकी दिनचर्या निश्चित नहीं है, आप कोई भी डिसीजन जो है फर्म तरीके से नहीं ले पाते हैं, तो संगीत में भी वही बिखराव जो है वो नज़र आएगा आपके, है ना। तो कोशिश कीजिए कि अपनी लाइफ की जो आपकी जो पर्सनालिटी है उसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश कीजिए, तो देखिए आपके संगीत में भी वो चीज़ आ सकती है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़रूरी ही है वो बदलाव करना, कि आप बोलें कि भाई मैं जैसा हूँ वैसा ही मेरा संगीत क्यों नहीं हो सकता, तो फिर आपको वो बिखराव अगर मंजूर है, कबूल है, तो आपके ऊपर है ना। बट मैं यही चाहूँगा कि आप अपने संगीत को एक निश्चित तरीके से करें और एक स्ट्रक्चर हो उसमें, है ना, और बिखरा सा ना हो। और नॉलेज तो जाहिर बात है, नॉलेज हमारे पास है, नॉलेज हम गेन कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ नॉलेज से कुछ नहीं होता। जैसे कि मैंने बताया, मेरे सहपाठी का एग्जांपल दिया, नॉलेज उसके पास भी बखूब है, उतनी ही है, है ना, वो भी उन चीज़ों को उतनी ही तरीके से समझता है, मगर अब जब राग गाने की बारी आई या कोई गीत गाने की बारी आई तो उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, है ना, सब बिखरा हुआ है। या तबला बजाने की बारी आई तो नॉलेज है लेकिन बिखरी हुई है, तो उसे समेटिए, उसमें एक स्ट्रक्चर लाइए और देखिए, या तो वाइस वर्सा है, आप जहाँ चेंज करना चाहें दूसरी चीज़ अपने आप बदल जाएगी। अगर आप अपनी लाइफ बदल देंगे तो आपका संगीत बदल जाएगा, और अपना संगीत बदल दोगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो ये है एक छोटी सी चीज़ थी कि आपकी पर्सनालिटी और आपके संगीत में, प्रकृति में आपस में क्या लेना देना है, ठीक है। तो मैं एक छोटे से वीडियो में नहीं समझा सकता, ये बहुत बड़ी चीज़ है और जीने की चीज़ है, पर हाँ एक हिंट आपको दे सकता हूँ कि बदलाव करके देखिए, बदलाव आ जाएगा, ठीक है। तो देखते रहें ऐसी संगीत प्रभाव वर्ल्ड की वीडियोज़, एंड कुछ ना कुछ लाता रहूँगा मैं, एंड होप आपको पसंद आ रहे हैं हमारे वीडियोज़। आप सब्सक्राइब करें और मुझे टॉपिक्स बताएं कि आप क्या चाहते हैं, तो मैं उन टॉपिक्स पर भी काम करूँगा और बनाऊँगा, है ना। मास्टर निषाद प्रोडक्शंस को भी सब्सक्राइब करें और देखते रहें संगीत प्रभाव वर्ल्ड को। धन्यवाद।